फर्स्ट क्वेश्चन, पेरिफेरल विजन लॉस इन, पेरिफेरल विजन जो होती है वो किस में लॉस होती है? फर्स्ट ऑप्शन कैटरेक्ट, सेकंड रेटिनल डिटैचमेंट, थर्ड क्लोजर एंगल एंड फोर्थ ओपन एंगल ग्लाइकोमा। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ओपन एंगल ग्लाइकोमा। अगर ओपन एंगल ग्लाइकोमा रहा तो पेरिफेरल विजन लॉस होती है। कैपनोग्राफी इज मेजर्स, कैपनोग्राफी क्या मेजर करते हैं, क्या मेजर करने करते हैं उससे? तो फर्स्ट CO, सेकेंड N2 मीन्स नाइट्रोजन, देन थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ हाइड्रोजन। एंड करेक्ट ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरॉक्सिन हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय फॉलोइंग ग्लैंड। थायरॉक्सिन हार्मोन कौन सी ग्लैंड सिक्रेट करती है? तो फर्स्ट ऑप्शन थाइमस ग्लैंड, सेकेंड थायरॉइड ग्लैंड, फोर्थ ओवरी एंड थर्ड ओवरी एंड फोर्थ पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड करेक्ट ऑप्शन इज थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो थायरॉइड ग्लैंड प्रोड्यूस कर सिक्रेट करती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट विच सेल, टेस्टोस्टेरोन कौन से सेल सिक्रेट करते हैं इन मेल? फर्स्ट इपिडिडाइमिस, सेकेंड हॉप बॉवर सेल्स, थर्ड लेडिक सेल्स ऑफ टेस्टिस एंड फोर्थ सर्टोली सेल्स। एंड करेक्ट ऑप्शन इज लेडिक सेल्स ऑफ टेस्टिस आर सिक्रेट बाय टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइड इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन सल्फेट? मॉर्फिन सल्फेट का कौन सा साइड इफेक्ट नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन अब्सेंस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स, सेकेंड डिक्रीज रेस्पिरेशन, थर्ड इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट एंड फोर्थ डिक्रीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड करेक्ट ऑप्शन इज इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट इज नॉट द साइड इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन सल्फेट। देन 120% ऑफ 75% इज, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन 110, नॉर्मल HbO ऑफ नियोनेट इज, नियोनेट में नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन 11-16 ग्राम पर DL, सेकेंड 14-16 ग्राम पर DL, थर्ड 17-20 ग्राम पर DL एंड फोर्थ 10-12 ग्राम पर DL। एंड करेक्ट ऑप्शन इज 17-20 ग्राम पर DL हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन नियोनेट। देन 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैरिंग हाउ मच ऑक्सीजन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना ऑक्सीजन रहता है? तो फर्स्ट ऑप्शन 2.34 ml O2 पर ग्राम, 3.34 ml O2 पर ग्राम, थर्ड ऑप्शन 1.34 ml O2 पर ग्राम एंड 0.34 ml O2 पर ग्राम। एंड करेक्ट ऑप्शन इज 1.34 ml O2 पर ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 1 ग्राम हीमोग्लोबिन। देन डिसेंड ऑफ टेस्टिस ऑकर, जो डिसेंड ऑफ टेस्टिस है वो कब ऑकर होता है इन मेल्स? फर्स्ट ऑप्शन बिफोर बर्थ, सेकेंड 16 वीक्स, थर्ड 24 वीक्स एंड फोर्थ आफ्टर 7 मंथ्स। एंड करेक्ट ऑप्शन इज बिफोर बर्थ टेस्टिस डिसेंड होता है नियोनेट्स में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, C4 वर्टेब्रा डैमेज कॉज फॉलोइंग सिम्टम्स, अगर C4 वर्टेब्रा डैमेज होता है तो कौन से सिम्टम्स दिखते हैं?
फर्स्ट ऑप्शन फ्लैसिड ब्लैडर, थर्ड सेकेंड हाइपरटेंशन, थर्ड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स एंड फोर्थ हाइपर एक्टिव बॉवेल। एंड करेक्ट ऑप्शन इज रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज रिलेटेड हियरिंग लॉस इज, एज के रिलेटेड जो हियरिंग लॉस होती है उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन प्रेसबाइकोसिस, सेकेंड SHL, थर्ड CHL एंड फोर्थ प्रेसबायोपिया। एंड करेक्ट ऑप्शन इज प्रेसबाइकोसिस इज कॉल्ड एज द एज रिलेटेड हियरिंग लॉस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीज ऑक्सीजन इन ब्लड इज कॉल्ड, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होता है तो उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन हाइपोक्सिया, सेकेंड एपनिया, थर्ड साइनोसिस एंड फोर्थ हाइपोक्सेमिया। एंड करेक्ट ऑप्शन इज हाइपोक्सेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेस डेंटल कैरीज, वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से डेंटल कैरीज होते हैं, मीन्स दांत सड़ जाते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन साल्मोनेला, सेकेंड कैंडिडा अल्बिकन्स, थर्ड स्टेप्टोकोकस एंड फोर्थ स्टेफिलोकोकस। एंड करेक्ट ऑप्शन इज स्टेप्टोकोकस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज द डेंटल कैरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर एबनॉर्मल इन माउथ, माउथ के लिए कौन सी कंडीशन एबनॉर्मल है? तो फर्स्ट ड्राई माउथ एंड ड्राई लिप्स, सेकेंड मॉइस्ट टंग, थर्ड मॉइस्ट लिप्स एंड फोर्थ मॉइस्ट माउथ। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ड्राई माउथ एंड ड्राई लिप्स इज द एबनॉर्मल कंडीशन इन माउथ। राइट हेमिस्फीयर डैमेज विच इज़ नॉट इंक्लूडेड, अगर राइट हेमिस्फीयर डैमेज हुआ तो उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता? फर्स्ट ऑप्शन लेफ्ट हेमीप्लेजिया, सेकेंड लेफ्ट हेमीपैरेसिस, थर्ड राइट हेमीप्लेजिया एंड फोर्थ वीकनेस इन लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। तो राइट हेमिस्फीयर डैमेज हुआ तो राइट हेमीप्लेजिया नहीं होता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन मैस्टाइटिस, मैस्टाइटिस में कौन सी कंडीशन है वो ट्रू नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन प्रेगनेंसी, सेकेंड नो निप्पल्स डिस्चार्ज एंड पेन, इन्फेक्शन एंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ ब्रेस्ट एंड फोर्थ लैक्टेशन और नॉन लैक्टेशन। एंड करेक्ट ऑप्शन इज प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी जो है ये मैस्टाइटिस के लिए ट्रू नहीं है। मैस्टाइटिस क्या होता है कि जिसमें ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी जो इन्फेक्शन के साथ उसके जो टिश्यू है उसमें कनेक्टिव टिश्यू में प्रॉब्लम होती है, और ये लैक्टेटिंग और नॉन लैक्टेटिंग दोनों मदर में दिखता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी रेंज इज, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी रेंज कितनी है? फर्स्ट 240 टू 250, सेकेंड 270 टू 280, थर्ड 220 टू 230 एंड फोर्थ 280 टू 295। एंड करेक्ट ऑप्शन इज 280 टू 295 इज द प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी रेंज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्स रेशियो इज डिफाइन एज, सेक्स रेशियो कैसे डिफाइन करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन नो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 100 मेल पॉपुलेशन, नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 पॉपुलेशंस, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल पॉपुलेशन एंड फोर्थ नंबर ऑफ फीमेल्स पर 10,000 मेल पॉपुलेशन। एंड करेक्ट ऑप्शन इज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज द सेक्स रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फूट ड्रॉप इज कॉज बाय फॉलोइंग नर्व डैमेज। फूट ड्रॉप जो है वो कौन सी नर्व डैमेज होने से होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन टीबियल नर्व, सेकेंड फेमोरल नर्व, फोर्थ डीप पेरोनियल नर्व एंड फोर्थ मैल्यूलस नर्व। एंड करेक्ट ऑप्शन इज डीप पेरोनियल नर्व डैमेज कॉज द फूट ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्पल टनल सिंड्रोम आर ऑकर ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ फॉलोइंग नर्व। कार्पल टनल सिंड्रोम जो है वो कौन से नर्व के कंप्रेशन की वजह से होता है? फर्स्ट ऑप्शन ब्रैकियल फ्रैक्चर, सेकेंड मोटर फाइबर्स ऑफ रेडियल नर्व, थर्ड सेंसरी फाइबर्स एंड फोर्थ मेडियन नर्व। मेडियन नर्व अगर कंप्रेस होती है उसकी वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फैक्टर इम्प्लॉई मोटिवेशनल थ्योरी इज गिवन बाय। टू फैक्टर इम्प्लॉय मोटिवेशनल थ्योरी किसने दी है? फर्स्ट ऑप्शन कोहलर, सेकेंड अल्डेरबर, थर्ड हर्स्टबर्ग एंड फोर्थ मास्लो। एंड करेक्ट ऑप्शन इज हर्स्टबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड आइटम्स बैसिलस सेरेस फूड पॉइजनिंग ऑकर। फूड आइटम्स में बैसिलस सेरेस फूड पॉइजनिंग कब ऑकर होती है? फर्स्ट ऑप्शन पोटैटोज, सेकेंड फ्राइड राइस, थर्ड ग्रीन बीन एंड फोर्थ सोयाबीन। तो फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन इज फ्राइड राइस में बैसिलस सेरेस फूड पॉइजनिंग होती है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लेबॉरेटरी मोस्ट ह्यूमन पैथोजेंस ग्रो इन। लेबॉरेटरी में मोस्ट ह्यूमन पैथोजेंस है वो कौन से टेम्परेचर पे ग्रो होते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन 20 to 30 degree, सेकेंड 15 to 20 degree, थर्ड 30 to 37 degree एंड फोर्थ 38 to 39 degree। एंड करेक्ट ऑप्शन इज 30 to 37 degree पे मोस्ट ऑफ पैथोजेंस ह्यूमन पैथोजेंस ग्रो होते हैं इन लेबॉरेटरी। देन आर्टेरियल ब्लड पीएच इज, आर्टेरियल ब्लड जो होता है उसका पीएच कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन 7.2, सेकेंड 7.4, थर्ड 7.3 एंड फोर्थ 7.8। एंड करेक्ट ऑप्शन इज 7.4।